Good morning, students. From today we are going to start our chapter 14, that is the natural resources, right? So obviously, as the name suggests, in this chapter we are going to study about the natural resources that we have. What are the resources that are offered to us by our nature? About all these things we are going to discuss in this chapter, okay? So first of all, let us go through the introduction of the chapter. Our planet Earth is the only one of which life as we know it. हमको ये चीज़ पता है कि हमारी अर्थ ही केवल एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर लाइफ पॉसिबल है, राइट? लाइफ ऑन अर्थ इज़ डिपेंडेंट ऑन मैनी फैक्टर्स, और अर्थ पर जो लाइफ है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है. मोस्ट लाइफ फॉर्म्स वी नो नीड एन एम्बिएंट टेम्परेचर, वाटर एंड फूड. हमको पता है कि लाइफ के लिए, एक प्रॉपर लाइफ के लिए हमको एक प्रॉपर टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, राइट? और ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी हमको ज़रूरत होती है फॉर अवर life. The resources available on the earth and the energy from the sun are necessary to meet the basic requirements of all forms, life forms on the earth. तो हमारे पास जो resources हैं earth पर, उनसे और जो sun से हमको energy मिलती है, वो सारी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं for our life, right? So if we want to be alive, then it is very important for us to have all these things or to get all these things from the nature, right? What are these resources on the earth? हमारी अर्थ पर ये कौन से resources हैं जिनकी हमको ज़रूरत होती है और जिनसे हम अपनी lifestyle carry करते हैं? About all these resources we are going to study in this chapter. So these are the land, the water and the air. तो जब हम natural resources की बात करें तो सबसे पहले जो most important resources हमारे पास हैं nature से दिए हुए, वो हैं land जिस पे हम रहते हैं, water और air. ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमको nature से मिली हैं और इनके बिना हमारी life possible नहीं है. That's why these are the most important resources that we have from our nature. The outer crust of the earth is called the lithosphere. हमारी crust की जो बाहर वाली surface होती है उसको हम क्या बोलते हैं? Lithosphere. Water covers 75% of the earth surface. जो water है वो हमारी earth की surface का about 75% cover करता है. इसका मतलब हमारी earth की surface पर about 75% जो है वो water है और बचा हुआ 25% जो है वो लैंड है. इट इज़ ऑल्सो फाउंड अंडरग्राउंड, और अंडरग्राउंड भी बहुत सारा वाटर है हमारी अर्थ पे. दिस कंप्राइज द हाइड्रोस्फेयर, तो वो पूरा पार्ट जहाँ पर एयर, वहाँ जहाँ पर वाटर है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फेयर. तो यहाँ पे हमने दो चीज़ें पढ़ी, वो पूरा पार्ट जहाँ पर लैंड है उसको हम बोलते हैं लिथोस्फेयर, उसके अलावा वो पार्ट जहाँ पर वाटर है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्फेयर. अब सिमिलरली हमारे पास एयर भी एक नेचुरल रिसोर्सेस है. द एयर दैट कवर्स द होल ऑफ द अर्थ लाइक अ ब्लैंकेट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. आपको पता होगा कि हमारी अर्थ के चारों तरफ एक गैसेस का एक कवर है, राइट? जो कि हमारी अर्थ को एक ब्लैंकेट की तरह कवर करता है, और गैसेस का ये जो पूरी कवरिंग है, इस पूरी कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर. ओके, सो द कवरिंग ऑल अराउंड आवर अर्थ इज़ कॉल्ड एज द एटमॉस्फेयर. ये तीनों टर्म्स जरूर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं. लैंड मतलब लिथोस्फेयर, वाटर मतलब हाइड्रोस्फेयर, और एयर मतलब एटमॉस्फेयर. Living things are found where these three exist. और जहाँ पर ये तीनों चीज़ें exist करेंगी proper मात्रा में, proper amount में,
एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में वहाँ पर लिविंग थिंग्स जो हैं वो हमको मिल सकती हैं और वहाँ पर लिविंग थिंग्स का एग्जिस्टेंस हमको देखने को मिलता है. दिस लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ द अर्थ वेयर द एटमॉस्फेयर द हाइड्रोस्फेयर एंड द लिथोस्फेयर इंटरैक्ट एंड मेक लाइफ पॉसिबल इज़ नोन एज द बायोस्फेयर. और जब हम इस लिथोस्फेयर हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर इन तीनों को कंबाइन कर देते हैं और एक ऐसे एरिया की बात करें जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है तो उस एरिया को हम क्या बोलेंगे, बायोस्फेयर. आई होप दिस थिंग मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू दैट लिथोस्फेयर प्लस हाइड्रोस्फेयर प्लस एटमॉस्फेयर इन तीनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो उस प्लेस को हम क्या बोलेंगे, बायोस्फेयर. लिविंग थिंग्स कंस्टिट्यूट द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फेयर. जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो बायोस्फेयर का बायोटिक कंपोनेंट्स बनाती हैं. मतलब आपने पढ़ा होगा बायोटिक और एबायोटिक दो कंपोनेंट्स होते हैं, तो बायोटिक में सारी लिविंग थिंग्स आती हैं और एबायोटिक में सारी नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं. द एयर वाटर सॉइल फॉर्म द नॉन लिविंग एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फेयर. तो जो एयर है वो नॉन लिविंग है, वाटर भी नॉन लिविंग है और सॉइल भी नॉन लिविंग है, तो ये सब क्या बनाते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट बनाते हैं हमारे बायोस्फेयर के. लेट अस स्टडी दीज एबायोटिक कंपोनेंट्स इन डिटेल इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड देयर रोल इन द सस्टेनिंग लाइफ ऑन द अर्थ. अगर हम एबायोटिक कंपोनेंट्स को डिटेल में पढ़ें तो हम अर्थ पर लाइफ का जो एग्जिस्टेंस है उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या रीजंस हैं जिनके कारण अर्थ पर हमको लाइफ का एग्जिस्टेंस देखने को मिलता है और दूसरे प्लैनेट्स पर जो है लाइफ पॉसिबल नहीं है, राइट. तो वन बाय वन हम सारे फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जिससे कि हम अर्थ पर लाइफ की पॉसिबिलिटी को और उसके आस्पेक्ट्स को ज़्यादा बेटर वे में समझ सकते हैं. द ब्रीद ऑफ लाइफ एयर, राइट. ऑब्वियस ही बात है कि लाइफ के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वो क्या होती है, एयर. वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द कंपोजिशन ऑफ एयर इन द फर्स्ट चैप्टर. हाँ, फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी एयर के कंपोजिशन के बारे में पढ़ चुके हैं. एयर में बहुत सारी अलग अलग तरह की गैसेस होती हैं. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर. तो एटमॉस्फेयर में या हम बोलें एयर में बहुत सारी अलग अलग गैसेस होती हैं जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड मैनी अदर्स. इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट इवन द कंपोजिशन ऑफ एयर इज़ द रिजल्ट ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. ये भी हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर ये सारी गैसेस नहीं होती अर्थ पे तो अर्थ पर लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं होती, राइट. तो अर्थ पर लाइफ के लिए इन सारी गैसेस का होना और एक प्रॉपर कंपोजिशन में होना, एक प्रॉपर प्रपोर्शन में होना, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, राइट. इन प्लैनेट्स सच एज वीनस एंड मार्स वेयर नो लाइफ इज़ नोन टू एग्जिस्ट द मेजर कंपोनेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर इज़ फाउंड टू बी कार्बन डाइऑक्साइड. तो मार्स और वीनस पर जहाँ हमको पता है कि लाइफ का एग्जिस्टेंस नहीं है, तो वहाँ पर लाइफ का एग्जिस्टेंस क्यों नहीं है, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि वहाँ पर जो गैसेस हैं उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है और बाकी गैसेस उस प्रपोर्शन में वहाँ पे नहीं पाई जाती हैं, राइट. इनफैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड कंस्टिट्यूट अप टू 95% टू 97% ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन वीनस एंड मार्स. वीनस और मार्स में जो एटमॉस्फेयर है उसमें 95% से 97% तक हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, राइट. यूकैरियोटिक सेल्स एंड मैनी प्रोकैरियोटिक सेल्स डिस्कस्ड इन चैप्टर 5 नीड ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एंड गेट एनर्जी फ्रॉम देयर फॉर देयर एक्टिविटीज़.
जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, जिनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में भी और चैप्टर 5 में भी, राइट। वो सेल्स जो कि वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, जिनमें आप अलग अलग सेल ऑर्गेनल को डिफरेंशिएट कर सकते हो, उन सबको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक, और जिनमें ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती हैं उनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। तो जितने भी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, सो दैट वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एनर्जी ऑब्टेन कर सकें, राइट। जो खाना हम खाते हैं दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और जब उसका ब्रेक डाउन होता है तभी हमको एनर्जी मिलती है, राइट। और इस पूरी प्रोसेस के लिए हमको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। दिस रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और जब हमारी बॉडी ऑक्सीजन गेन करती है तो बदले में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है, ये भी आपको पता है। अनादर प्रोसेस विच रिजल्ट्स इन द कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन एंड द कॉन्कॉमिटेंट प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ कंबशन। अगर हम ऐसी एक और प्रोसेस की बात करें जहाँ पे ऑक्सीजन का कंजम्पशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, तो उसका एक और एग्जांपल हो जाएगा कंबशन, राइट। तो कंबशन का मतलब जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी चीज़ को बर्न करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंबशन, राइट। आपको ये भी पता है कि किसी भी चीज़ को बर्न होने के लिए ऑक्सीजन एक बहुत नेसेसरी कंपोनेंट है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो कोई भी चीज़ बर्न नहीं होगी, राइट। तो किसी भी चीज़ को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन इज़ अ प्राइम थिंग दैट वी नीड। सो दो प्रोसेसेस हमने पढ़ी जिसमें हम ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर रहे हैं। पहला हमारी रेस्पिरेशन की प्रोसेस और दूसरा कंबशन की प्रोसेस, राइट। दिस इंक्लूड्स नॉट जस्ट ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच बर्न फ्यूल्स टू गेट एनर्जी बट ऑल्सो फॉरेस्ट फायर्स। अब इसमें ना सिर्फ ह्यूमन की एक्टिविटीज़ आ गई कंबशन में, बल्कि जो फॉरेस्ट फायर्स होते हैं, राइट। फॉरेस्ट में जब आग लग जाती है तो उसको भी, उसमें भी ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम होती है बहुत बड़ी मात्रा में, और जब चीज़ें बर्न होती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है इन अबंडेंस, राइट। डिस्पाइट दिस द परसेंटेज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन अवर एटमोसफेयर इज अ मियर फ्रैक्शन ऑफ द परसेंट, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड इन टू वेज। लेकिन इतना सारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने के बाद भी जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, वो सब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। दूसरा, कंबशन में बहुत ज़्यादा अबंडेंस में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, और इन सब फैक्टर्स के बाद भी जो हमारी अर्थ है उस पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उतनी ज़्यादा नहीं है, वो बैलेंस्ड है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि अर्थ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस कर देती हैं, उसको उसका प्रपोर्शन को ज़्यादा बढ़ने नहीं देती हैं। ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, राइट। और वी नो दैट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस, राइट। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, राइट। और मैनी मरीन एनिमल्स यूज कार्बोनेट्स डिजॉल्व इन सी वाटर टू मेक देयर शेल्स। और बहुत सारे मरीन एनिमल्स होते हैं, मरीन एनिमल्स मतलब ऐसे एनिमल्स जो कि ओशंस में रहते हैं, सीज में रहते हैं, राइट। तो सी और ओशन में जो एनिमल्स रहते हैं वो मरीन एनिमल्स बहुत सारे कार्बोनेट्स को यूज़ करते हैं जो कि सी वाटर में डिज़ोल्व रहता है, जिससे कि वो अपने शेल्स बना सकें, राइट। जिससे कि वो अपने शेल्स बना सकें। नाउ द रोल ऑफ द एटमॉस्फेयर इन द क्लाइमेट कंट्रोल। अब एटमॉस्फेयर का रोल सिर्फ इतना ही नहीं है कि हमको ऑक्सीजन देना और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रेक डाउन करना, बल्कि उसके और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंस है इन आवर बायोस्फेयर। सो उसका एक और रोल, एक बहुत बड़ा रोल जो एटमॉस्फेयर प्ले करता है, दैट इज़
द क्लाइमेट कंट्रोल, हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल सूटेबल है लाइफ के लिए, तो हमारी अर्थ पर टेम्परेचर को और क्लाइमेट को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? इट इज़ द एटमॉस्फेयर। वी हैव टॉक्ड ऑफ द एटमॉस्फेयर कवरिंग द अर्थ लाइक अ ब्लैंकेट। हमने क्या डिस्कस किया कि हमारी अर्थ के सराउंडिंग में बहुत सारी गैसेस की एक कवरिंग है जिसको कि हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। वी नो दैट एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। हम ये जानते हैं कि जो एयर है वो हीट की बैड कंडक्टर होती है, इट मीन्स वो हीट को अपने में से पास नहीं होने देती है। द एटमॉस्फेयर कीप्स द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ फेयरली स्टेडी ड्यूरिंग द डे। और जो एटमॉस्फेयर है उसी के कारण हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो स्टेडी रहता है, सामान्य बना रहता है, एंड इवन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द होल डे, और पूरे दिन के समय और पूरे साल ये जो टेम्परेचर है वो मेंटेन्ड और स्टेडी बना रहता है। किसके कारण? इट इज़ बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर ओनली। द एटमॉस्फेयर प्रिवेंट्स द सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द डेलाइट आवर्स। ये जो एटमॉस्फेयर है वो प्रिवेंट करता है, मतलब रोकता है कि टेम्परेचर को इंक्रीज़ होने से, हमारी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं हो जाए बहुत ज़्यादा डे टाइम में, बिकॉज सनलाइट सन से बहुत सारी रेडिएशंस हमारी अर्थ तक आती हैं जिसके कारण हमारी अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है। तो इस चीज़ को प्रिवेंट कौन करता है, इस चीज़ को रोकने का काम कौन करता है? इट इज़ द एटमॉस्फेयर ओनली, राइट। एंड ड्यूरिंग द नाइट इट स्लोज डाउन द एस्केप ऑफ द हीट इनटू द आउटर स्पेस। और नाइट के समय जो हीट हमारी अर्थ से रेडिएट होती है ये उसको कम कर देता है, राइट, ताकि हीट हमारी अर्थ से बाहर ना जाए और अर्थ का टेम्परेचर जो है अर्थ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम भी नहीं हो जाए, राइट। थिंक ऑफ द मून विच इज़ अबाउट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सन दैट द अर्थ इज़। अब अगर हम मून की बात करें तो जो मून है वो भी सन से उतना ही डिस्टेंस पर है जितना कि हमारी अर्थ, बट फिर डेस्पाइट दैट ऑन द सर्फेस ऑफ द मून विथ नो एटमोसफेयर द टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम -190 टेरा सेल्सियस टू 110 टेरा सेल्सियस। तो अगर हम मून की बात करें तो जो मून जो कि हमारी अर्थ जितना ही दूर है सन से, लेकिन वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वहाँ का टेम्परेचर इतना कम क्यों होता है कि वो माइनस में होता है, राइट। सो इसके पीछे का रीज़न क्या है? इट इज़ द एटमॉस्फेयर ओनली। क्योंकि मून पर एटमॉस्फेयर नहीं है इसलिए वहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होता है, और हमारी अर्थ पर एटमॉस्फेयर है इसीलिए वो इस टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करता है। As we have seen above, sand and water do not heat up at the same rate. What do you think will be their rate of cooling? Can we think of an experiment to test the prediction? Students, here one experiment activity is being given to us. First of all, we have to read this. Measure the temperature of the following. Measure the temperature of the following. Take a beaker full of water. अगर हम एक बीकर लें, उस बीकर में पानी लें, अब बीकर फुल ऑफ सॉइल या सैंड, एक दूसरा बीकर लें जिसमें हम सॉइल या सैंड फिल कर दें, अ क्लोज्ड बॉटल कंटेनिंग अ थर्मामीटर, कीप देम इन ब्राइट सनलाइट फॉर 3 आवर्स, नाउ मेजर द टेम्परेचर ऑफ ऑल 3 वेसल्स, ऑल्सो टेक द टेम्परेचर रीडिंग इन शेड एट द सेम टाइम। हमने क्या किया, एक बीकर में पानी लिया, एक दूसरे बीकर में सॉइल और सैंड लिया, और तीसरे एक क्लोज बॉटल रखी हमने जिसमें कि हमने थर्मामीटर को रख दिया, और इन सभी को हमने 3 घंटे के लिए सनलाइट में, ब्राइट सनलाइट में रख दिया। अब हम 3 घंटे बाद इन तीनों का टेम्परेचर अगर हम मेजर करें, सो और उसी समय जो शेड में, अगर हम छाया में टेम्परेचर मेजर करें तो इनमें क्या डिफरेंस होगा वो हम पता लगाते हैं। एज वी हैव सीन अबोव, सैंड एंड वाटर डू नॉट हीट अप एट द सेम रेट। जब आप उन सभी का टेम्परेचर मेजर करोगे तो सैंड का टेम्परेचर कुछ और होगा, वाटर का टेम्परेचर कुछ और होगा, राइट। इसका मतलब क्या कि
कि जो सैंड और वाटर है वो सेम रेट पर हीट अप नहीं करते हैं, व्हाट डू यू थिंक विल बी देयर रेट ऑफ कूलिंग? कैन वी थिंक ऑफ एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द प्रेडिक्शन? अब हम इस चीज़ को चेक करते हैं कि ऐसा क्यों कि उन सभी का टेम्परेचर जो है वो अलग अलग होगा, और व्हाट आर द रीजंस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस काइंड ऑफ चेंज, दैट थिंग ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस. ओके, सो इसके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है द मूवमेंट ऑफ एयर. राइट, आपको पता है एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली मोशन में रहते हैं थ्रू आउट द टाइम. वी हैव ऑल फेल्ट द रिलीफ ब्रॉड बाय कूल इवनिंग ब्रीजेज आफ्टर अ हॉट डे. अगर एक हॉट डे के बाद जब हमारे ऊपर एक कूल ब्रीज आती है एयर की, तो उससे हमको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है. एंड समटाइम्स वी आर लकी इनफ टू गेट रेन्स आफ्टर सम डेज ऑफ रियली हॉट वेदर. और जब बहुत हॉट वेदर रहता है और उसके बाद जब रेन आती है तो उसमें भी हमको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है. व्हाट कॉजेज द मूवमेंट ऑफ एयर एंड व्हाट डिसाइड्स वेदर दिस मूवमेंट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ जेंटल ब्रीज, अ स्ट्रॉन्ग विंड और अ टेरिबल स्टॉर्म? तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो इस एयर के मोशन को कंट्रोल करती है, और वो क्या चीज़ होती है जो डिसाइड करती है कि जो एयर है वो एक ब्रीज के फॉर्म में ट्रैवल करेगी, एक बहुत स्ट्रॉन्ग विंड के फॉर्म में ट्रैवल करेगी, या एक बहुत टेरिबल तूफान की तरह ट्रैवल करेगी? क्या चीज़ें होती हैं जो उसको कंट्रोल करती हैं? व्हाट ब्रिंग्स अस द वेलकम रेन्स, और क्या चीज़ होती है जिसके कारण बारिश होती है हमारी अर्थ पर, वो सारी चीज़ें हम लोग समझते हैं. ऑल दीज फिनोमिनाज आर द रिज़ल्ट ऑफ द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन आवर एटमोसफेयर. ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे होते हैं, और इन सारे चेंजेस के कारण ये सारे जो रेन है या जो एयर है, ब्रीज है, उन सब में चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं. ड्यू टू द हीटिंग ऑफ द एयर एंड द फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर. तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? एयर की हीट होने के कारण और वाटर वेपर फॉर्म होने के कारण. राइट, सो वाटर वेपर इज़ फॉर्म ड्यू टू द हीटिंग ऑफ वाटर बॉडीज़ एंड द एक्टिविटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो जो वाटर है वो क्यों हीट होता है? वाटर बॉडीज़ के हीट होने के कारण. आपको पता है जब वाटर को जो रिवर का वाटर है या लेक का वाटर है, अगर वो स्ट्रॉन्ग सनलाइट में रखा है तो वो जो वाटर है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होकर उसका इवेपोरेशन हो जाता है. राइट, ये चीज़ हमको पता है. एंड द एक्टिविटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. द एटमॉस्फेयर कैन बी हीटेड फ्रॉम बिलो बाय द रेडिएशन दैट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक और री रेडिएटेड बाय द लैंड और वाटर बॉडीज़. जो एटमॉस्फेयर होगा उसको re-radiated by the land or the water bodies on being heated, convection current or are set up in the air. So आपने पढ़ा है कि जो हीट का फ्लो है वो तीन तरीके से हो सकता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन. राइट, सो इसी तरीके से जो हीट का फ्लो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में होता है by these processes. In order to gain some understanding of the nature of convection current, let us perform the following activity. अगर हम convection current के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक activity discuss करते हैं. Place a candle in a beaker or wide mounted bottle and light an incense stick and take it to the mouth of the above bottle. हमने एक bottle ली, right? उसके पास में हम एक इंसेंस स्टिक ले गए, एक अगरबत्ती ले गए, जलती हुई अगरबत्ती. राइट, हमने उसके माउथ के पास एक जलती हुई अगरबत्ती ले गए. विच वे डज द स्मोक फ्लोज व्हेन द इंसेंस स्टिक इज कैप नियर द एज ऑफ द माउथ. जब हमने उस इंसेंस स्टिक को इस बीकर के पास में रखा तो जो एयर जो स्मोक है वो कौन से डायरेक्शन में जाएगा? इट विल मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन. राइट, विच वे डज द स्मोक फ्लो व्हेन द इंसेंस स्टिक इज कैप अ लिटिल अबोव द कैंडल. अगर हम इस इंसेंस स्टिक को कैंडल से थोड़ा सा ऊपर रखेंगे
तब जो स्मोक है वो किस डायरेक्शन में जाएगा? विच वे डज द स्मोक फ्लो व्हेन द इंसेंस स्टिक इज कैप्ट इन अदर रीजन? और अगर हम इस इंसेंस स्टिक को किसी दूसरे रीजन में रख दें तब वो स्मोक किस डायरेक्शन में जाएगा? सो द पैटर्न रिवील्ड बाय द स्मोक शोज अस द डायरेक्शन इन विच द हॉट एंड कोल्ड एयर मूव। तो जो इंसेंस स्टिक के जो स्मोक जा रहा है उससे हमको क्या पता चल रहा है कि जो हॉट और कोल्ड एयर है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। इन अ सिमिलर मैनर व्हेन एयर इज हीटेड बाय रेडिएशन फ्रॉम द हीटेड लैंड और वाटर इट राइजेस। इसी तरीके से जब एयर हीट हो जाती है बाय द रेडिएशन, मतलब जब एयर को हीट मिलती है बाय लैंड और वाटर, तो वो ऊपर चली जाती है, राइट। बट सिंस लैंड गेट्स हीटर फास्टर देन वाटर, द एयर अबोव लैंड वुड ऑल्सो बी हीटेड फास्टर एंड द एयर देन द एयर अबोव वाटर बॉडीज़। तो जो लैंड है वो वाटर से ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है और इसीलिए जो एयर होती है लैंड के ऊपर की वो भी ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द वाटर के अबोव जो एयर होती है उससे। सो इफ़ यू लुक एट द सिचुएशन इन द कोस्टल रीजन ड्यूरिंग द डे, द एयर अबोव द लैंड गेट हीटेड फास्टर एंड स्टार्ट्स राइजिंग। तो अगर हम एक कोस्टल रीजन की बात करें, एक रिवर कोस्ट की या इस तरीके की रीजन की हम बात करें, तो वहाँ पर जो लैंड के ऊपर की एयर होगी वो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाएगी। एंड एज दिस एयर राइजेज अ रीजन ऑफ लो प्रेशर इज़ क्रिएटेड एंड एयर ओवर द सी मूव्स इन दिस एरिया ऑफ द लो प्रेशर। और जैसे जैसे एयर ऊपर की तरफ राइज होगी एक लो प्रेशर का एरिया क्रिएट हो जाएगा एंड द एयर ओवर द सी मूव्स इन दिस एरिया ऑफ द लो प्रेशर। और जो एयर है वो सी से इस लो प्रेशर के एरिया की तरफ मूव करेगी, राइट। द मूवमेंट ऑफ द एयर फ्रॉम वन रीजन टू द अदर क्रिएट्स विंड। और जब एयर का मोशन होगा फ्रॉम एक वन रीजन टू अनदर रीजन, तो इसके कारण विंड क्रिएट होगी। ड्यूरिंग द डे द डायरेक्शन ऑफ द विंड वुड बी फ्रॉम द सी टू द लैंड। और दिन के समय ये जो डायरेक्शन है विंड का वो सी से लैंड की तरफ होगा, राइट। बिकॉज सी के ऊपर की जो एयर है दैट इज़ द कूलर और लैंड की ऊपर की जो एयर है दैट इज़ हॉटर। एट नाइट बोथ लैंड एंड सी स्टार्ट टू कूल। और रात के समय क्या होगा कि लैंड और सी दोनों ही कूल डाउन होने लग जाएंगे। सिंस वाटर कूल्स डाउन स्लोअर देन द लैंड, द एयर अबोव द वाटर वुड बी वार्म देन द एयर अबोव द लैंड। और चूँकि वाटर धीरे धीरे कूल डाउन होता है एज़ कम्पेयर टू द लैंड, तो एयर जो वाटर के ऊपर की जो एयर होगी वो धीरे धीरे वो थोड़ी सी गर्म होगी एज़ कम्पेयर टू लैंड के ऊपर की जो एयर है उससे। ऑन द बेसिस ऑफ द अबोव डिस्कशन वॉट कैन यू से अबाउट। तो इस पूरे डिस्कशन के बाद हम क्या कह सकते हैं? द अपियरेंस ऑफ द एरिया ऑफ द लो एंड हाई प्रेशर इन द कोस्टल एरिया एट नाइट, द डायरेक्शन इन विच द एयर वुड फ्लो एट द नाइट इन द कोस्टल एरियाज। सिंस ऑल द मूवमेंट्स ऑफ एयर रिजल्टिंग इन डाइवर्स एटमोसफेरिक फिनोमिना आर कॉज्ड बाय द अनइवन हीटिंग ऑफ द एटमोसफेयर इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द अर्थ। अब अर्थ पे अलग अलग रीजन्स हैं जहाँ पर जो एयर का मूवमेंट है वो अलग अलग होता है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस की वो जो एरिया है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, हाइट पर है या डेप्थ पर है, यहाँ पर आसपास कोई वाटर बॉडी है या नहीं। बट वेरियस अदर फैक्टर्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस दीज विंड्स। और इसके अलावा बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स होते हैं जो कि विंड को अफेक्ट करते हैं। पहला, द रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड द प्रेजेंस ऑफ माउंटेन रेंजेस इन द पाथ ऑफ द विंड आर अ कपल ऑफ दीज फैक्टर्स। हमारी अर्थ का रोटेशन, हमारी अर्थ पर कोई कहाँ कहीं पर माउंटेनियस रीजन है अगर विंड के पाथ में, तो उससे भी विंड का जो फ्लो है वो अफेक्ट होगा। वी विल नॉट गो इन टू दीज फैक्टर्स इन डिटेल इन दिस चैप्टर। हम इन सारे फैक्टर्स के बारे में इस चैप्टर में बात नहीं करेंगे, बट थिंक अबाउट दिस, बट हम इसके बारे में सोच सकते हैं। हाउ डू द प्रेजेंस ऑफ हिमालय चेंज द फ्लो ऑफ विंड ब्लोइंग फ्रॉम अलाहाबाद टूवर्ड द नॉर्थ। और जैसा कि हमने डिस्कस किया कि एक माउंटेन के कारण
या और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण विंड जो है वो अपना पाथ डाइवर्ट कर लेती है या विंड की स्पीड में कुछ चेंजेस आते हैं। सो विंड एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करती है टू कंट्रोल द क्लाइमेट ऑफ अवर एटमॉस्फेयर अवर अर्थ राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास स्टूडेंट्स। इन अवर नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फर्दर रिसोर्सेज फर्दर नेचुरल रिसोर्सेज। थैंक यू।